हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। आज हम आप सभी के लिए एक एक्सक्लूसिव न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट लेके आए हैं। इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट प्रोजेक्ट डिटेल्स एंड सैम्पल फ्लैट टूर YouTube पे सबसे पहले ऑल रूम किचन की टीम लेके आई है, साथ ही अर्ली बर्ड ऑफर्स भी हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। ऐसे ही एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज ऑफ पुणे के वीडियोज़ देखने के लिए आपके चैनल ऑल रूम किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट किन लोगों के लिए सूटेबल है। अगर आप स्पेशियस 2 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं 65 टू 75 लाख की बजट में, या फिर स्पेशियस 3 BHK फ्लैट ढूंढ रहे हैं, आपका जो बजट है ये 80 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है, एंड आप चाहते हैं एक रेप्यूटेड डेवलपर जिसका टाइमली पोजीशन हो, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हो, साथ ही आप 5 से 10 एकड़ के ग्रैंड लैंड पार्सल पे प्रोजेक्ट चाहते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेस होनी चाहिए। लोकेशन वाइज आप वाकड़ ताथोड़ी जैसी लोकेशन पे प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं जहाँ से हिंजेवाड़ी आईटी पार्क नज़दीक हो, साथ ही बाकी सारी चीज़ें जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, मॉल, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल्स वगैरह चीज़ें भी नज़दीक हो, अगर आपकी भी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आज का ये प्रॉपर्टी आपके लिए है। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एक्सक्लूसिव न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट ताथोड़े लोकेशन से। ताथोड़े लोकेशन पे बन रहे WTC यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एंड ईऑन आईटी पार्क के बिल्कुल नज़दीक ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में फ्लैट परचेस करते हो तो आप लिटरली वॉक टू वर्क जैसी फैसिलिटी को एंजॉय कर सकते हो, एंड अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको बाय टू रेंट के हिसाब से इस प्रॉपर्टी को परचेस करना चाहिए, एंड आपको फ्यूचर एप्रिसिएशन के हिसाब से इस प्रॉपर्टी को परचेस करना चाहिए। प्लस इस प्रोजेक्ट से हार्डली 2 to 3 किलोमीटर्स पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, स्कूल्स, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, डीमार्ट, सारी चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट से बहुत ही नज़दीक के डिस्टेंस पे देखने को मिल जाती है। चलिए प्रोजेक्ट डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 10 एकर्स के ग्रैंड लैंड पार्सल पे यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 6 हाई राइज रेजिडेंशियल टावर्स रहने वाले हैं एंड एक कमर्शियल टावर भी यहाँ पे रहने वाला है। सभी के सभी टावर्स ग्राउंड प्लस 22 स्टोरेज के यहाँ पे रहने वाले हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑल एमिनिटीज वाला प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आपको स्विमिंग पूल, जिम, किड्स प्ले एरिया, इस तरीके की एमिनिटीज तो है ही, साथ ही आपको 1.5 एकड़ से भी ज़्यादा लैंड पार्सल पे फॉरेस्ट, थीम पार्क जैसे एमिनिटीज भी देखने को मिल जाती है। ये जो फॉरेस्ट थीम पार्क है ये प्रोजेक्ट के बिल्कुल बीचों बीच रहने वाला है, एंड सराउंडिंग में सारे टावर्स रहने वाले हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप चॉइस वाली इन्वेंट्री चाहते हैं या फिर जो फॉरेस्ट फेसिंग के जो फ्लैट्स हैं ये सबसे पहले बुक होने वाले हैं, अगर आप ऐसी चॉइस की इन्वेंट्री चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी डिले ना करें, आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। साथ ही आपको अर्ली बर्ड का ऑफर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अर्ली बर्ड ऑफर में आपको फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कितना एग्जैक्टली आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा ये हम आपको कॉल पे या साइट विजिट के दौरान जब आप आओगे तब हम आपको डिस्क्लोज कर देंगे। पोजीशन की बात करूं तो दिसंबर 2025 में इसका पोजीशन आपको मिल जाएगा, एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ बिल्डेड बाय वन ऑफ द रेप्यूटेड डेवलपर्स ऑफ पुणे, तो उस बात की भी आपको गारंटी मिल जाती है कि टाइमली पोजीशन मिलेगा एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आइए अब क्विकली प्राइसिंग एंड साइजिंग को डिस्कस कर लेते हैं। 2 BHK 800 स्क्वायर फीट कारपेट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका मैक्स प्राइस रखा गया है 75 लाख ऑल इंक्लूसिव। 3 BHK दो वेरिएंट में 950 कारपेट का जो 3 BHK इसका ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग रखा गया है 91 लाख ऑल इंक्लूसिव, एंड ये मैक्सिमम प्राइस रहेगा। एंड 3 BHK का जो दूसरा वेरिएंट है ये 1080 कारपेट का है, जिसका मैक्सिमम प्राइसिंग जो यहाँ पे रखा गया है ये 1 करोड़ 2 लाख ऑल इंक्लूसिव रखा गया है। तो ये जो प्राइसिंग है ये टॉप फ्लोर वाले प्राइसिंग है, आप जैसे मिडल फ्लोर पे लोगे या फिर लोअर फ्लोर पे लेंगे तो आपको प्राइसिंग जो है इससे कम मिलेगा। साथ ही अगर आप अर्ली बर्ड ऑफर के साथ लेते हैं तो आपको फ्यू लैक्स ऑफ रुपीज़ ऑफ डिस्काउंट एक्स्ट्रा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आइए अब क्विकली सैंपल फ्लैट का टूर करते हैं। 1080 स्क्वायर फीट का यहाँ पे सैंपल फ्लैट रेडी है, आइए इसका क्विकली टूर कर लेते हैं। तो चलिए सैंपल फ्लैट का टूर कर लेते हैं। 1080 स्क्वायर फीट का ये 3 BHK सैंपल यहाँ पे रेडी है। हर एक फ्लैट के साथ आपको कुछ इस तरीके का वन टच का वीडियो डोर फोन प्रॉपरली मिल जाता है, कुछ इस तरीके के आपके डोर फ्रेम्स एंड डोर प्रॉपरली आपके फ्लैट के साथ मिल जाएंगे। प्लस बेस्ट बात है, हर एक डोर के साथ जो एजेस है ये राउंडेड एजेस आपको मिलते हैं, प्लस रबर गैस किट की आपको पैडिंग यहाँ पे हर एक डोर के साथ, इंटरनल डोर्स के साथ भी प्रॉपरली मिल जाती है। हर एक फ्लैट के साथ आपको प्रॉपर एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है जहाँ पे आप प्रॉपरली आपका शू रैक वगैरह इंस्टॉल कर पाते हो। डोर के पीछे के साइड पे आपको प्रॉपरली शू रैक रखने के लिए एक अच्छी सी स्पेस मिल जाती है, एंड प्राइवेसी के हिसाब से एंट्रेंस लॉबी आपको फ्लैट्स के साथ दी हुई है। आ जाइए आप एंट्रेंस लॉबी से जैसे ही आते हो आपको एल शेप में लिविंग एंड डाइनिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आइए लिविंग एरिया की बात करते हैं। लिविंग की अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 17.3x11 साइज़ का काफ़ी स्पेशियस लिविंग एरिया आपको यहाँ पे प्रॉपरली देखने को मिल जाता है।
अरेंजमेंट्स की बात करूं तो आप बड़े आराम से यहाँ पे सी शेप का आपका सोफ़ा अरेंज कर पाते हो, कुछ इस तरीके का आपका सेंटर टेबल आ जाएगा। एंड सोफ़ा के अपोजिट इस पर्टिकुलर वॉल पे आपको मल्टीपल पॉइंट्स दिए गए जहाँ पे आप आपका वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट कुछ इस तरीके से प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाते हो, तो कुछ इस तरीके का आप आपका लिविंग एरिया प्रॉपरली क्रिएट कर सकते हो। बेस्ट बात है आपको लिविंग एरिया में ही यहाँ पे एक अलग से पूजा स्पेस के लीजिए या फिर एक अलग से एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप पूजा रूम बना सकते हो या फिर वर्क फ्रॉम होम ऑफिस डेस्क बना सकते हो या फिर किड्स के लिए एक छोटा सा स्टडी टेबल अरेंज कर सकते हो, ताकि आप जब आपके लिविंग एरिया में या फिर किचन एरिया में काम कर रहे हो तो आप आपके किड्स को असिस्ट कर सकते हो उनकी पढ़ाई में। उस हिसाब से आप यहाँ पे आपके किड्स के लिए स्टडी टेबल के हिसाब से अरेंजमेंट्स भी कर सकते हो। तो ये एक USP हो गया इस लेआउट का, आपको अलग से एक स्पेस मिल जाती है जिसे आप डायनेमिकली आपके नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर पाते हो। आइए लिविंग को अटैच्ड कंपलसरी कवर्ड बालकनी मिलती है उसे भी क्विकली चेक कर लेंगे। आ जाइए, हर एक लिविंग के साथ आपको कंपलसरी अटैच्ड एंड कवर्ड बालकनीज दी हुई है। काफ़ी अच्छे स्पेस आपको जो है बालकनी एरियाज में मिल जाती है। साइजिंग बताऊं तो 11x5 साइज़ का आपको स्पेशियस बालकनीज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपके लिविंग एरिया के साथ, प्लस टफ एंड ग्लास का रेलिंग का सेटअप भी मिल जाता है। काफ़ी अच्छी हाइट यहाँ पे रेलिंग्स की दी हुई है जिससे एक अच्छी सेफ्टी भी आपको मिल जाएगी आपकी बालकनी एरिया में। आइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करते हैं। आ जाइए, इस तरफ आपको प्रॉपर डाइनिंग एरिया मिल जाता है जहाँ पे आप कुछ इस तरीके का जो है 4 सीटर का डाइनिंग का अरेंजमेंट कर पाते हो। डाइनिंग एरिया की अगर मैं बात करूँ तो 8x5 साइज़ का एक अलग से डेडिकेटेड डाइनिंग एरिया मिल जाता है। एंड डाइनिंग एरिया से ही अटैच्ड आपको किचन एरियाज मिल जाते हैं। आइए क्विकली किचन एरिया को भी चेक कर लेते हैं। बेस्ट बात है आप किचन एरिया में जो भी गर्मा गर्म बनाओगे वो आप क्विकली आपके डाइनिंग एरिया में सर्व कर पाते हो, उस हिसाब से ये अरेंजमेंट काफ़ी यूजफुल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड मैं अगर किचन एरिया की बात करूँ साइजिंग की तो 9x8 साइज़ का आपको एक अच्छे डिसेंट साइज़ के किचन एरियाज यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके का आपका ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म मिलेगा एंड टाइल्स कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके के आपके किचन एरिया में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप प्रॉपरली आपका कुकटॉप एंड चिमनी वगैरह इंस्टॉल कर पाते हो, प्लस अगर आपको ये एल शेप में भी कन्वर्ट करना है आपका प्लेटफॉर्म तो वो भी आप यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हो। यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स दिए हुए ताकि आप मिक्सर ओवर एंड ग्राइंडर यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाओ उस हिसाब से, प्लस अगर फ्रिज इंस्टॉल करना है तो उसके लिए ये पर्टिकुलर कॉर्नर में आपको पॉइंट्स दिए गए एंड स्पेस प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाती है। किचन के साथ आपको एनक्लोज्ड ड्राई बालकनी दी गई है। 2 सिंक अलग अलग आपको मिलते हैं, 1 सिंक आपको किचन एरिया में मिलते हैं जहाँ पे आप आपका जो फूड आइटम्स है उसे वॉश कर सकते हो, एंड आपके जो यूटेंसिल्स है जिससे आपकी मेड वगैरह वॉश करेगी वो आप प्रॉपरली आपके ड्राई एरिया में अलग से रख सकते हो। तो हाइजीन के हिसाब से 2 सिंक आपको यहाँ पे अलग अलग मिल जाते हैं, प्लस वेंटिलेशन के लिए भी आप देखिए काफ़ी बड़ी सी विंडो आपको आपके किचन एरिया में मिल जाती है, तो यहाँ से एक अच्छा एयर वेंटिलेशन लाइट वेंटिलेशन आपके किचन एरिया में प्रॉपरली मिलता रहेगा। प्लस ये जो कॉर्नर स्पेस है यहाँ पे आप आपका वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर पाते हो जिसके लिए इनलेट आउटलेट एंड इलेक्ट्रिक स्विच प्रॉपरली यहाँ पे दिया गया। तो कुछ इस तरीके का स्पेशियस किचन आपको आपके फ्लैट के साथ मिल जाता है। आइए अब बेडरूम्स को चेक कर लेंगे। आ जाइए, बटरफ्लाई डिज़ाइन वाले ये 3 BHK फ्लैट्स है जिसमें लिविंग के एक तरफ आपको गेस्ट बेडरूम मिल जाता है एंड लिविंग डाइनिंग के दूसरी तरफ आपको किड्स बेडरूम एंड आपका मास्टर बेडरूम मिल जाता है। आइए क्विकली गेस्ट बेडरूम को चेक कर लेंगे। स्पेशियस बेडरूम्स है ये, आप बात ज़रूर नोट कर लीजिएगा। सारे के सारे बेडरूम्स हैं जो है, इनके साइजेस आप देख लीजिए, काफ़ी स्पेशियस आपको साइजेस मिल जाती है। गेस्ट बेडरूम की अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो 14.1x10 साइज़ का काफ़ी स्पेशियस गेस्ट बेडरूम आपको मिल जाता है। गेस्ट बेडरूम के साथ आपको वेंटिलेशन के लिए कुछ इस तरीके की बड़ी सी विंडो भी प्रॉपरली मिल जाती है। आप बड़े आराम से क्वीन साइज़ का बेड इंस्टॉल कर सकते हो। वॉल माउंटेड टेलीविजन इंस्टॉल करना है तो बेड की अपोजिट वो भी आ जाएगा, प्लस इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे आप कुछ इस तरीके से वार्डरोब की अरेंजमेंट कर पाते हो। ऑल्सो वॉशरूम्स, आइए अटैच वॉशरूम को भी चेक कर लेते हैं। काफ़ी प्रीमियम फिटिंग्स वाले वॉशरूम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बेस्ट बात है ये जो ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म आपको हर वॉशरूम में देखने को मिल जाता है ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगे, जहाँ पे आप आपके जो भी सामान आपको लगता है आपके बाथरूम्स में वो आप बड़े आराम से रख पाते हो। CP वेयर सैनिटरी वेयर भी देखिए, काफ़ी अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस के एंड काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस के यहाँ पे टाइल्स एंड CP वेयर सैनिटरी वेयर यूज़ किए गए हैं, प्लस आपको फॉल सीलिंग का सेटअप भी एज इट इज़ यहाँ पे इन पर्टिकुलर वॉशरूम्स में देखने को मिल जाएगा। आ जाइए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लैट को चेक करेंगे। आ जाइए, डाइनिंग एरिया से जैसे ही आप आगे आते हो आपको एक तरफ किड्स बेडरूम मिलता है एंड एक तरफ आपको कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। आइए कॉमन वॉशरूम को चेक कर लेंगे।
अगेन एक अलग डिज़ाइन एंड कलर कॉम्बिनेशन इस पर्टिकुलर वॉशरूम में यूज़ किए गए हैं। एंड सीपी वेयर सैनिटरी वेयर आपको स्टैंडर्ड जैगुआर के यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगेन एक फॉल सीलिंग का सेटअप भी आपको आपके वॉशरूम में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। आ जाइए आप किड्स बेडरूम को चेक कर लेंगे। आ जाइए, काफ़ी स्पेशियस किड्स बेडरूम अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साइजिंग की बात करूँ तो 12x10 साइज़ का ग्रैंड किड्स बेडरूम आपको मिल जाता है। प्लस आपको अलग से यहाँ पे वार्डरोब स्पेस भी मिल जाती है, जहाँ पे आप आपके किड्स के लिए वार्डरोब अंदर की तरफ प्रॉपरली बना सकते हैं। बाकी का जो स्पेस बचता है 10x12 साइज़ का, वहाँ पे आप आपके किड्स के लिए बेड, स्टडी टेबल एंड जो भी चीज़ें आप एक्स्ट्रा लगाना चाहो आपके किड्स में, किड्स के रूम में, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। प्लस वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे बड़ी सी विंडो भी प्रॉपरली दी गई है। आइए अब मास्टर बेडरूम को चेक कर लेते हैं। अगेन मास्टर बेडरूम की भी साइजिंग देख के आप हैरान हो जाओगे। 14.1x11 साइज़ का स्पेशियस मास्टर बेडरूम आपको यहाँ पे मिल जाता है। कुछ इस तरीके का वार्डरोब आप इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे इंस्टॉल कर पाते हो। क्वीन साइज़ का बेड या फिर किंग साइज़ का बेड भी आप आपके मास्टर बेडरूम में इंस्टॉल कर पाओगे। एंड जो बेड है उसके अपोजिट साइड पे यहाँ पे इस पर्टिकुलर वॉल पे आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, ताकि आप चाहें तो यहाँ पे वॉल माउंटेड टेलीविजन यूनिट भी प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाते हो। प्लस अगर आपको एक ड्रेसिंग टेबल की भी अरेंजमेंट करनी है तो वो आप बड़े आराम से इस पर्टिकुलर कॉर्नर पे कर पाते हो। इतनी स्पेस आपको आपके मास्टर बेडरूम में प्रॉपरली मिल जाती है। बेस्ट बात है, सभी फ्लैट्स 2 बालकनी के साथ आते हैं, मास्टर बेडरूम के साथ एंड लिविंग एरिया के साथ आपको कंपलसरी कवर्ड एंड अटैच्ड बालकनी मिल जाती है। आइए इस बालकनी को भी चेक कर लेंगे। हाँ जी, ये मास्टर बेडरूम के साथ जो बालकनी है ये आपको 3.5x11 साइज़ की मिलती है। प्रॉपर ऊपर से कवर्ड बालकनी मिलेगी एंड टफन ग्लास का रेलिंग का सेटअप आपको मिलता है। हाई राइज टावर्स हैं, 22-स्टोरी टावर्स हैं, तो यहाँ से भी आपके किड्स वगैरह जो है एक प्रॉपर व्यू एंजॉय कर पाएंगे। एंड बिल्डिंग का एलिवेशन भी काफ़ी अच्छा दिखता है टफन ग्लास की वजह से, उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर टफन ग्लास रेलिंग का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। आइए अब अटैच्ड मास्टर वॉशरूम को भी चेक कर लेंगे। आ जाइए, इस तरफ अटैच्ड मास्टर वॉशरूम आपको मिल जाते हैं आपके मास्टर बेडरूम के साथ। अगेन काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बेसिन के नीचे दिया गया है, ताकि आप आपके जो भी वॉशरूम के सामान हैं वो आप यहाँ पे बड़े आराम से लगा पाओ। यहाँ पे आपका जो है कमोड स्पेस है एंड इस तरफ डोर के पीछे आपका बेडिंग एरिया मिल जाता है। एंड ऊपर अगेन फॉल सीलिंग का सेटअप आपको एज इट इज़ आपके वॉशरूम्स में देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके के आपको 1080 स्क्वायर फीट वाले 3BHK फ्लैट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। 2BHK 800 स्क्वायर फीट वाले हैं, 3BHK 2 वेरिएंट के 950 स्क्वायर फीट एंड 1080 स्क्वायर फीट कारपेट वाले। प्राइसिंग एंड साइजिंग मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिए। अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पसंद आ रही है तो बिल्कुल भी डिले ना करें, अर्ली बर्ड ऑफर यहाँ पे चालू है। बहुत अच्छे डिस्काउंट्स आपको hallroomkitchen.com की तरफ से मिल जाएंगे, तो इसे आप बिल्कुल भी डिले ना करें। आप जल्दी से जल्दी हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करें एंड साइट विजिट के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाइए। हम वीकडेज में भी अवेलेबल है, आप कभी भी पॉसिबल हो तो आप इसे विजिट करने के लिए आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक जरूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर करें, हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पर दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।